हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं गाइस, यहाँ पे हमारे पास 4440 ड्यूल आईसी वाला यहाँ पे एक एम्पलीफायर है। तो एकदम ओके कंडीशन में एम्पलीफायर है गाइस। तो गाइस, में प्रॉब्लम है गाइस, यहाँ पे जो है बैटरी कनेक्शन नहीं है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम इसमें बैटरी कनेक्शन करने वाले हैं। और गाइस, इसे बैटरी कनेक्शन करने के बाद आप इसे किसी भी बैटरी 12 वोल्ट की किसी भी बैटरी पर आप चला सकते हैं गाइस। तो किस तरीके से बैटरी कनेक्शन करते हैं, तो गाइस वीडियो पूरा देखिए। और गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। और गाइस, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे किस तरीके से करते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे इस तरीके से हमने इसमें से बोर्ड निकाल दिए गए। तो इसमें देखिए गाइस, यहाँ पे किस तरीके से वायरिंग है। तो यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो 4 डायोड है गाइस, यहाँ पे 4 डायोड, ये रेक्टिफायर है गाइस यहाँ पे। और इसका जो मेन कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है गाइस। तो इस पे जो वोल्टेज है गाइस, ये हमें ज़रूरी है गाइस, ठीक है, इसको ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो है कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये जो वाइट पट्टा है यहाँ पे जो डायोड का, यहाँ पे पॉजिटिव है। और ये जो ब्लैक वाला हिस्सा यहाँ पे लगा हुआ है, ये पूरे ग्राउंड के लिए नेगेटिव है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव है, ये कैपेसिटर के पॉजिटिव पे गया है, यहाँ पे ये साइड में पॉजिटिव है उसका। और गाइस, ये जो ऊपर का जो हिस्सा है, ये नेगेटिव में। तो ये वाइट पट्टा है जो कैपेसिटर पे, यहाँ पे वाइट पट्टे पे गया है गाइस, ठीक है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव है गाइस। तो यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे कनेक्शन करते हैं। तो गाइस, कनेक्शन करने के लिए गाइस, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे 2 डायोड है गाइस, इसमें से कोई भी डायोड लगा सकते हैं गाइस। यहाँ पे IN4007 डायोड भी है गाइस यहाँ पे छोटा, और गाइस यहाँ पे बड़ा डायोड है FR302। तो इस तरीके से गाइस, मेरे पास यहाँ पे 2 डायोड है। तो इसमें से गाइस, मैं एक लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो है, ये बड़ा वाला लगाने वाला हूँ गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी एक डायोड लगा दीजिए, ठीक है। तो ये 4 रुपये 5 रुपये तक मिल जाएगा गाइस, ठीक है। तो ये किस तरीके से लगाना है यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे जो डायोड दिया गया है, यहाँ पे पॉजिटिव का हिस्सा है यहाँ पे। तो कैपेसिटर का जो पॉजिटिव, पॉजिटिव पे यहाँ पे जो वाइट पट्टा दिया गया है ये डायोड पे, तो इस तरीके से यहाँ पे लगा देना है। तो गाइस, ये हिल के ना निकले, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा मेटल लगा के यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे डायोड लगा दीजिए गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से लग चुका है। अभी गाइस, यहाँ पे इसे वायरिंग करना है गाइस। यहाँ वायरिंग करने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव वायर लेता हूँ गाइस। यहाँ पे जो है के वायर लग चुके हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ब्लैक वायर जो ग्राउंड ग्राउंड है, पूरा पूरा ग्राउंड है, यहाँ पे ब्लैक वायर लगाए हैं। और गाइज, यहाँ पे डायोड को लगा के यहाँ पे पॉजिटिव लगाया हुआ गाइज, ठीक है। तो गाइज, इस तरीके से गाइज इसकी वायरिंग है गाइज। तो गाइज, अभी से क्या करना है गाइज, यहाँ पे इस तरीके से वापस से पैक कर देना है। तो देखिए गाइज, जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्क्रू से लगा दिया है यहाँ पे। और गाइज, यहाँ पे जो है हमारा यहाँ पे डायोड लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे इसका पॉजिटिव हिस्सा, यहाँ पे नेगेटिव है गाइज, ठीक है। तो गाइज, इसे बैटरी लगाने के लिए यहाँ पे मेरे पास ये बैटरी है गाइज। यहाँ पे मेरे पास 12 वोल्ट की बैटरी है गाइज यहाँ पे। तो यहाँ पे लियोन बैटरी है गाइज, यहाँ पे 3 सेल लियोन बैटरी के है गाइज। और यहाँ पे वो जो वोल्टेज आता है यहाँ पे देखिए, देखिए गाइज, यहाँ पे 12 वोल्ट आता है गाइज यहाँ पे। तो इस पिन में 12 वोल्ट वोल्टेज आता है गाइज, ठीक है। तो ये देखें, तो मैं इस तरीके से लगा सकता था, पर यहाँ पे मैं पिन लगाऊंगा यहाँ पे। अगर आपके पास कोई सोर्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे 12 वोल्ट लगा सकते हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पे अगर इस तरीके से लगा के, यहाँ पे एक्सटर्नल कोई वायर वगैरह लगा के हम आप लगा सकते हैं गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एक पिन लगा के मैं आपको टेस्ट करके बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो है मेरा का जो है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव लगा देंगे। तो देखिए गाइज, इस तरीके से गाइज हमारा जो है पिन कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो चुका है। तो गाइज, अभी सिर्फ इसे लगा देना है, कनेक्ट कर देना है, तो इसका जो चालू हो जाएगा इन्हें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इससे पहले गाइज मैं इसे स्पीकर लगाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास यहाँ पे ये स्पीकर है गाइज, 4 इंच का स्पीकर है। और गाइज, इसे लगाऊंगा यहाँ पे। तो इस तरीके से गाइज, यहाँ पे जो स्पीकर लग चुका है, उसका जो जो एम्पलीफायर का जो वायर है यहाँ पे है गाइज, ठीक है। यहाँ स्पीकर के बाजू रख देता हूँ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरीके से, और इसका जो बैटरी है मैं इधर रख देता हूँ, ठीक है। इसे मैं एक पेन ड्राइव लगा देता हूँ। तो देखिए, सेटअप पूरा हो चुका है। तो गाइस, अभी सिर्फ कनेक्ट करना है। कनेक्ट करते ही यहाँ पे जो है, यहाँ पे लाइट चालू हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे भी ब्लिंक चालू हो चुका है गाइस, ठीक है। तो गाइस, अब यहाँ पे जो है वॉल्यूम फुल करके देखेंगे, आवाज़ तो आ रही है। तो गाइज, इस तरीके से गाइज हमारा जो है बैटरी से ये पूरा एम्पलीफायर चल रहा है गाइज, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पे अगर मैं ऐसे बंद कर देता हूँ तो ये बंद हो जाएगा देखिए, और इसे फिर लगाने पर फिर चालू हो जाएगा। तो ये सिर्फ बैटरी से चल रहा है गाइज, ठीक है। तो गाइज,
तो गाइस इसे इसी जगह पे गाइस आप कोई भी बैटरी लगा सकते हैं, 12 वोल्ट की बैटरी आप लगा के इसे चला सकते हैं गाइस। ठीक है, तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और गाइस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइस। थैंक यू गाइस।